कैसे हो आप सब? ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। हेलो बोलो, मुंह से बोलो। हाँ, अरे बहुत अच्छी बिटिया है। खाना खा लिया तुमने? हाँ, खा लिया। खाना खा लिया? हाँ। मम्मी ने क्या बनाया था आज? मम्मी ने दाल चावल बनाया तो आज ही चटनी लेके आया। अच्छा, मम्मी ने दाल चावल बनाया और चटनी बनाई है। तुमने क्या खाया? हमें? हाँ, तुमने क्या खाया? खाना। क्या खाया खाने में? खाने में दाल चावल। दाल चावल खाया है? हाँ। पढ़ाई की है आज? हाँ। क्या पढ़ी थी? बताओ। एक कहानी भूत आ जाता। भूत वाली कहानी पढ़ी थी? हाँ। और क्या पढ़ा था? और बताओ जल्दी से। एबीसीडी पढ़ी थी? हाँ। वन टू बोलो 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 जल्दी से। वन टू पढ़ी थी कि नहीं? अच्छा, क्या कॉपी चाहिए? कॉपी में क्या लिखोगी? लिख लेती हो? हाँ। एबीसीडी लिख लेती हो? हाँ। अच्छा, लिख के दिखाओ मुझे यहाँ पर। बिंदी लगा दो। बिंदी लगा दे? हाँ। अच्छा, ऐसे नहीं कर पाओगी? बिंदी लगा दे। बिंदी लगा दे। अच्छा चलो, बिंदी लगा देते हैं। बिंदी नहीं लगा पाती हूँ। हम बिंदी लगा दें? रुको एक मिनट। ये बिंदी लगा दी, ये बिंदी लगा दी। ये देखो मैंने बिंदी लगा दी, अब बिटिया करेगी। देखो कैसे काम करती है। करो करो काम बिटिया। लिखे भाई, क्या लिखेगी? अरे वाह भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बिटिया तो लिख लेती है। और लिखो। किसने सिखाया है लिखना बोलो? मम्मी ने सिखाया है। अच्छा, और भैया ने क्या सिखाया? एबीसीडी सिखाई है। अच्छा, और मैम ने क्या सिखाया? हाँ बोलो। हाँ, क्या कहा है? फॉर केक। यहाँ बता दो, यहाँ बता दो सबको। मैम ने क्या बताया है बताओ? मैम ने हाँ एप्पल तुम बताया बताया। कैट माने बिल्ली बताया। और ए माने क्या बताया? पानी। पानी बताया। ए माने पानी बताया। ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। और सी फॉर क्या बताया? इसको हटाओ मुंह से, गंदी बात होती है। सी फॉर? सी फॉर हाँ। सी फॉर क्या होता है? फिर से आ गया आराध। यहाँ आओ, यहाँ बैठो आके। ये देखो, ये इनके भैया आ गए लेने के लिए इनको। ये देखो लेने आए हैं। किसने बुलाया बताओ? डैडी ने बुलाया। डैडी ने बुलाया है? तुम जाओगी? नहीं जाओगी? फिर क्या करें, इनको भेज दें? तो फ्रेंड्स, बिटिया से हमने बहुत सारी बातें कर ली। ये हमारे देवर की बिटिया थी जो हमारे घर पे खेलने आई थी। अब हम आ गए हैं छत पे अपने कपड़े उतारने, क्योंकि हमें अभी बहुत सारा काम करना है। अभी हमें शाम की चाय बनानी है और शाम का खाना भी बनाना है। तो 5 बज चुके हैं, तो इसलिए हम आए हैं अपनी छत पे। ये सारे कपड़े हमने सुबह धुले थे जो कि अब सूख गए हैं, तो अब हम इनको उतार के नीचे ले जाएंगे और उसके बाद चाय बनाएंगे। आज बिटिया का एकादशी का व्रत है, तो हम बिटिया के लिए नाश्ता भी बनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं चाय बनाने शाम की। शाम के 6 बज गए हैं, तो हम शाम की चाय बनाएंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल नाश्ता भी बनाएंगे व्रत वाला। तो आप सभी लोग देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अभी तो हम चाय बनाने जा रहे हैं। चाय हमने रख दी है, अब हम चाय बनाएंगे और उसके बाद व्रत वाला नाश्ता बनाएंगे एकादशी व्रत का, जो कि अपनी बेटी के लिए बनाना है मुझे।
ये हमने कुकर में आलू ले लिए हैं उबालने के लिए। रात का खाना बनाएंगे हम आलू से, तो इसको भी हम बॉईल कर देते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है और इस पे हम आलू उबाल लेंगे। चाय हमारी पकने वाली है, गर्मी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। किचन में तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो अभी हमने आलू उबलने के लिए रख दिया है और चाय हमारी खौलने वाली है। चाय में उबाल आ जाए तो हम लोग चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर हम खाना पकाएंगे, खाने की तैयारी करेंगे। चाय में हमने चीनी भी डाल दी है, चाय हमारी बहुत जल्द पक जाएगी। तो ये चाय हमारी रेडी है, अब हम सबको चाय दे देते हैं। हमने चाय पी ली है और हाथ अच्छे से धुल लिए हैं, तो अब हम व्रत वाला खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जो आलू उबाले थे तो हम अपने सारे आलू एक एक करके थाली में निकाल लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको छील लेंगे। तो हमने सारे आलू एक एक करके छील लिए हैं और हमने हरी मिर्च काट के रखी है, तो ये हरी मिर्च हम आलू में डाल देंगे। और हम एक कटोरी लेंगे सिंघाड़े का आटा, तो ये हमने एक कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है और सिंघाड़े के आटे को भी हम इसी आलू में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बहुत सरल रेसिपी है, तो इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेंगे अपने स्वादानुसार और पानी की मदद से हम इसको गूँथ लेंगे। जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं उसी तरह से हम आटा गूँथ लेंगे। तो हम थोड़ा सा पानी डाल के आटे को गूँथेंगे अच्छे से, तो ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे ताकि हमारी पकौड़ियाँ जो बनेंगी वो अच्छे से फूलें। तो हमने आटे को गूँथ लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। आटा हमारा सेट हो चुका है, अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई हमारी जब गर्म हो जाएगी तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप ये हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, अगर आप देसी घी डालना चाहती हैं तो आप देसी घी से भी बना सकती हैं, तो अभी तो हम रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम छोटी छोटी सी टिकिया टाइप की पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये हम गोल गोल अपनी हथेली की मदद से गोल गोल टिक्की बना रहे हैं, चार छः बनाकर हम इकट्ठे रख लेंगे। और उसके बाद तेल गर्म होने पर हम सारी पकौड़ियाँ एक साथ डाल देंगे। जितना हमारा तेल है हम उसी हिसाब से चार छः पकौड़ियाँ जितनी हमारी अच्छे से पक सकेंगी हम उतनी पकौड़ियाँ डालकर फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, ये पकौड़ियाँ बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकाई जाती हैं और चार से पाँच बार पलट पलट के धीरी आँच पर हम इसको पकाएँगे ताकि हमारी ये पकौड़ियाँ कुरकुरी हो सकें, कुरकुरी लगे जब हम इसको धीरे आंच पे पकाएंगे, क्योंकि इसमें आलू होता है। और जब हम स्लो फ्लेम पे इसको बार बार पलट के पकाते हैं तो ये पकौड़ियाँ हमारी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी हो जाती हैं। तो आप इस पकौड़ी को जब भी बनाएं तो बहुत ही कम फ्लेम पे बनाएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये खाने में कुरकुरी होती है। अगर ये कुरकुरी नहीं लगेगी तो ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। इसलिए आप जब भी बनाइए तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाइए और बार बार पलटते रहिए। तो ये देखिए मैंने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। आप इसको चाहें तो टमाटर की चटनी के साथ खाएं और चाहें तो आप दही के साथ भी खा सकती हैं। दही के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और टमाटर की चटनी के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो ये व्रत का खाना है, तो इसलिए बिटिया आज टमाटर के साथ नहीं खाएगी, उसको दही के साथ खाना है। वैसे तो व्रत में टमाटर भी खाया जाता है, लेकिन आज बिटिया टमाटर नहीं खाएगी, बोल रही है कि हम दही के साथ खाएंगे। तो ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है?
अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।